में। दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति में हर साल कोई ना कोई बड़ी इनामी राशि जीतकर जाता ही है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी बिहार से आए सुशील कुमार ने। सुशील ने साल 2011 में 5 करोड़ रुपए की इनामी राशि जीती थी। उस समय इस शो में 5 करोड़ ही अधिकतम राशि हुआ करती थी और सुशील कुमार ने सारे सवालों के सही जवाब देकर ये पैसे अपने नाम कर लिए थे। हालांकि आज 9 साल बाद सुशील कुमार एकदम खाली हो गए और इनके पास 1 रुपया तक नहीं बचा है। इतनी बड़ी राशि को सुशील कुमार सही से संभाल कर नहीं रख सके और आज इन्हें इस चीज का काफी दुख है। अब सुशील ने अपनी आप बीती सुनाई है कि कैसे केबीसी में जीतने के बाद उनके जीवन का बुरा दौर शुरू हो गया, कैसे उन्हें शराब और सिगरेट की लत लग गई और धीरे धीरे उनके पास पैसे खत्म हो गए। अपने फेसबुक पर सुशील कुमार ने एक पोस्ट डाला और उसके जरिए बताया कि केबीसी जीतने के बाद उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। वो लोकल सेलिब्रिटी बन गए थे और उन्हें कई सारे कार्यक्रमों में बुलाया जाता था। बिहार में होने वाले लगभग हर कार्यक्रम में ये हिस्सा लेते थे। वहीं 5 करोड़ रुपए मिलने के बाद इन्होंने कई सारे बिजनेस शुरू किए, लेकिन इनका कोई भी बिजनेस नहीं चल सका। सुशील कुमार ने कई सारी राशि गुप्त दान के रूप में भी दान की। इसके अलावा इनको ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने इनसे ये पैसे ठग लिए। ये लोग सुशील कुमार की चापलूसी किया करते थे और इनकी बातों में आकर सुशील कुमार ने काफी पैसे खो दिए। सुशील कुमार बताते हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि वो ये सब काम ना करें, लेकिन उन्होंने उनकी पत्नी की नहीं सुनी और पत्नी के साथ उनके रिश्ते भी खराब होने लगे। सुशील कुमार ने दिल्ली में गाड़ियों का बिजनेस शुरू किया था और ये समय समय पर दिल्ली आया करते थे। यहाँ पर इनकी दोस्ती कई लोगों से हुई जिनके साथ रहते हुए इन्हें शराब और सिगरेट की लत लग गई। सुशील ने निर्देशक बनने का भी सोचा और अपना ये सपना पूरा करने के लिए वो मुंबई आ गए। मुंबई में आकर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस में काम किया, लेकिन इसमें भी ये सफल नहीं हुए और इस दौरान भी इनको पैसों का खूब नुकसान हुआ। मुंबई में कई सालों तक रहने के बाद सुशील कुमार को ये बात समझ में आ गई थी कि उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए ये वापस बिहार आ गए और यहाँ पर इन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ में ही इनकी शराब और सिगरेट की आदत भी छूट गई है और साल 2016 से इन्होंने शराब को छुआ तक नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से एक इंसान पैसे के लालच में आकर और पैसे के नशे में चूर होकर यूं बर्बाद हो सकता है। और अगर भगवान फ्यूचर में आपको भी इतना पैसा दे तो आपको उसे ठंडे दिमाग से एकदम सही जगह पर सही समय पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि इन जनाब की तरह वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल भी था, जिससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जब भी इतना पैसा मिले तो हमें उसका एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे सेलेब्स फॉर स्टाइल में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करना और अगर इन जनाब की जगह आप होते तो आप क्या करते बता दीजिए जल्दी कॉमेंट बॉक्स में। चलिए शुक्रिया।